सेनेट में कंटोनमेंट बोर्ड तरमीमी बिल 2023 मुत्तफिका तौर पर मंजूर। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल की भी मंजूरी। इजलास में ख्वाजा आसिफ का मुतनाज़ा रिमार्क्स पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। ख़वातीन की तस्दीक नहीं की, बयान मखसूस जिन्स के लिए नहीं था। कोई मेरी गुफ्तगू को अपनी तरफ समझता है तो समझता रहे। पीटीआई की क़यादत मरियम नवाज से मुतालिक बात पर मुआफ़ी मांगे, फिर वो भी मुआफ़ी मांग लेंगे। वज़ीर दिफा का इजहार ख्याल, पीटीआई के क़ायद को तो फिर रोज 500 मुआफियां मांगनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, पीटीआई सेनेटर्स का वॉकआउट, तरामीम शामिल न करने पर रसा रबानी और ताहिर बजिंजो इजलास से चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे ग्वादर पुरवकार, तकरीब के दौरान मुतादिद तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 102 किलोमीटर बस्मिया उसदार रोड, 55 किलोमीटर आवरान और दीगर मनसूबे शामिल। चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह, तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म माही गिरोह में इमदादी चेक, ग्वादर यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। ग्वादर पहुँचने पर गवर्नर बलोचिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। तौसीक पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फौरी तौर पर नाफिज होगा। सदर ने दस्तखत ना किए तो 14 रोज बाद तरमीमी बिल 9 अगस्त को अस्कुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। पार्लियामानी जराए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत इत्तेहादियों और अपोजिशन की मुशावरत से तरामीम तजवीज़ की गई। आइंदा इंतखाबात को शफाफ और बिला ताखीर नताइज में मदद मिलेगी। फौरी दस्तखत कर दें, वफाकी हुकूमत का सदर को पैगाम। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश से कई इलाके नदी नालों में तुकियानी। हादसात में 3 अफराद जां भाग। वाशिक में 300 से ज़ायद मकानात मुनहदम। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पंचकूर में मुतअद्दिद पुल टूट गए। गचक में दर्जनों दीवारें गिर गईं। बोलान पंजरा पुल पर ट्रैफिक 5 रोज बाद भी मुअत्तल। बलोचिस्तान का पानी सिंध में भी दाखिल। कंबर, शहदादकोट और सरहदी इलाके मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-आब। मुतासरीन की नकल मकानी। नादराबाद पुल बहने से मोटरवे M8 चौथे रोज भी बंद। कुसदार और शहदादकोट का जमीनी राबता मुनकता। सहवन शरीफ में मच्छर झील के पानी में 5 फिट इजाफा। एमरजेंसी नाफिस, मानसेरा के नवाही गांव में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक। मुल्क में मानसून स्पेल जारी। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कराची में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कसूर, चूनिया और दिगर कई शहरों में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर-आब एबटाबाद में तूफानी बारिश से पानी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। न्यूरो सर्जरी वार्ड ज़ेर-आब, मरीजों को मुश्किल का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीजीएमए के अर्बन फ्लडिंग के खदशात, शहरों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में बारिशों से मलीर नदी में तुगयानी। कुरंगी कॉसवे दूसरे रोज भी बंद। मुतबादल रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव। हालिया बारिशों से हब डैम भी भर गया। स्पेल वे से पानी का इखराज जारी। कराची और हब के शहरियों को 2 से 2.5 साल तक के लिए पानी का जखीरा मिल गया। मानसून बारिशों से डैम में पानी की सतह 10 फीट बुलंद हुई। पाकिस्तान सोने के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क। अरबों डॉलर की मादनियात मौजूद। 1 अगस्त को मिनरल समिट इस्लामाबाद में होगी। दुनिया के नामवर सरमायाकार और माहिरीन शिरकत करेंगे। मुल्क में महंगाई अरूज पर। शरह में 3.73% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमू शरह 29.21% रिकॉर्ड। हालिया हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, अंडों समेत 20 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। LPG का घरेलू सिलेंडर भी 103 रुपये महंगा। इदारा शुमारियात।
शहादत हजरत इमाम हुसैन का गम, मुल्क भर में 8वीं मुहर्रम पर 44 और जुलूस, यजीद की फौज के मजालिम का बयान। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पेशावर में 9वीं 10वीं मुहर्रम पर BRT बस सर्विस बंद रहेगी।